आज मैं आपको हायर के एयर फ्रायर के अंदर फ्रेंच फ्राइज बना के दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी ये स्टैंड बाई मोड पे है, यहाँ मैं पावर ऑन कर रहा हूँ। अब आप अपने फ्रेंच फ्राइज को दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप अपने हिसाब से टेम्परेचर इसमें सेलेक्ट करके, टाइमिंग सेलेक्ट करके आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। टेम्परेचर कहाँ से ऑपरेट होगा, सबसे पहले आप मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से आप अपने फ्रेंच फ्राइज मोड को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से आप अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दीजिए जिससे वो ज़्यादा क्रिस्पी हो सके। देन आपको यहाँ पे टाइमिंग शो करेगा, आप उसको थोड़े टाइमिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं 19-20 मिनट तक। देन आपको यहाँ से जब स्टार्ट कर देंगे तो आपका एयर फ्राइज स्टार्ट हो जाएगा। बट अब यहाँ मैं चाहता हूँ सब ऑटोमेटिक तरीके से रहे, तो एक बार आप इस पर वापस पावर ऑफ करेंगे, देन जैसे ही स्टार्ट करेंगे ये आपका पिज़्ज़ा मोड पर आ गया। यहाँ से आप पहले आप सेलेक्ट करेंगे फ्रेंच फ्राइज, अभी आपका फ्रेंच फ्राइज से लाइट शो करने लगे, 190 डिग्री पे आपका टेम्परेचर रहेगा और ये 18 मिनट तक कुक होएगा। सो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये हमने मकेन्स के फ्रेंच फ्राइज लिए हैं, इसमें कोई ऑयल नहीं लगाया है, ये अभी कम्प्लीटली फ्रोजन है, ठीक है। सो अभी मैं आपको इस बकेट के अंदर फिल करके दिखाता हूँ। इसके अंदर हमने नॉनस्टिक ट्रे लगाई है, इसका ये बेनिफिट है कि जो भी आपका एक्सेस ऑयल होगा इन फ्राइज़ के ऊपर वो सारा का सारा ट्रे से नीचे आ जाएगा, जिससे कि आपका फ्राइज के अंदर किसी भी तरह का कोई ऑयल नहीं बचेगा। अब मैं आपको यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज पक के दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसमें फ्राइज रख दिए, अब मैं यहाँ से इसका लिड क्लोज कर दूँगा। अब आप यहाँ पे शो देख सकते हैं कि यहाँ पे अब आपको डिस्प्ले भी शो करेगा जब मैं इसको ऑन करूँगा। यहाँ पे मैंने ऑन किया, सेलेक्ट कीजिए आप पहले यहाँ से फ्रेंच फ्राइज, 180 डिग्री पे भी ऑटोमेटिक शो कर रहा है आपको 18 मिनट्स के लिए। अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट का बटन दबाऊँगा आपका एयर फ्राइज स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी और आप यहाँ पे अपने फोटो को कुछ भी देख सकते हैं इजीली। यहाँ चिपका नहीं है देखिए, और ये जो हमारे ये हमने ये वापस डाल दिया, और ये जो हमारे फ्रेंच फ्राइज है ये हमारे परफेक्टली हो चुके हैं। अब देखिए ये चीज़ हो, मैंने इसे ऑफ का बटन दबाया, अब मैं इसे ऑफ कर दूँ। अभी देखिए कुछ सेकंड टाइम लेगा और ये ऑफ हो जाएगा। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये आवाज़ दे रहा है और ये ऑफ हो गया। चलो थैंक यू।